सो हे गाइस, क्या आपका भी माइनक्राफ्ट का एटर्नल सर्वर कुछ इस तरीके से क्रैश हो जा रहा है बार बार? तो गाइस, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका एटर्नस का सर्वर क्रैश हो जाता है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा भी एक सर्वर विश्वास 123 यहाँ पे क्रैश हो चुका है। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सर्वर क्रैश होता ही क्यों है। अगर आपने गाइस वर्ल्ड्स में जाके और यहाँ पे कुछ ऐसा मैप अपलोड कर दिया है जिसमें कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है, तो आपका यहाँ पे सर्वर क्रैश हो जाता है। या फिर आप प्लगइन्स में गए हो और कुछ ऐसा प्लगइन्स यहाँ पे डाल दिया है जो कि आपका सर्वर के वर्जन से सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, वो भी आपका सर्वर यहाँ पे क्रैश हो जाता है। या फिर गाइस, अगर आप सर्वर पे गए हो और यहाँ पे जो सर्वर का जो वर्जन है, यहाँ पे आपने सर्वर तो बनाया था 1.20.2 में और अब आपने इंस्टॉल कर दिया है 1.20.1, यानी कि आपने डाउनग्रेड कर दिया है, तो भी आपका सर्वर यहाँ पे क्रैश हो जाता है। अगर आप अपने सर्वर को अपग्रेड करते हो तो क्रैश नहीं होता, लेकिन आप डाउनग्रेड करोगे तो क्रैश हो जाएगा। और यहाँ पे भी मेरे साथ यही हुआ है। मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया था 1.20.2 पे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 1.20.1 यहाँ पे इंस्टॉल किया तो मेरा सर्वर यहाँ पे क्रैश हो गया। धिक्कार है हम पर। So guys, आपका सर्वर क्रैश क्यों हुआ है ये भी आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉग्स पे चले आना है। यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्रैश रिपोर्ट डिटेक्टेड। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका वो सारा जो क्रैश रिपोर्ट है वो खुल के आ जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो क्रैश वाला प्रॉब्लम है इसको ठीक कैसे करना है। इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा बैकअप्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना तो आपको यहाँ पे बैकअप खुल के आ जाएगा। और अगर आपने पहले से अपने गूगल ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप नीचे ढेर सारे दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सभी बैकअप्स ऑटोमेटिक और कुछ एक मैनुअल बैकअप भी है। मैनुअल बैकअप कैसे लेते हैं, इस वाले क्रिएट बैकअप पे आप क्लिक करके यहाँ पे नाम दे देना अपने बैकअप का, यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे क्लिक कर देना, तो उसके बाद मैनुअल बैकअप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस, जब भी आप अपना सर्वर बनाते हो तो अपने किसी गूगल ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट जरूर करके रखना ताकि ऑटोमेटिक बैकअप उसका होता रहे, और कभी कुछ भी प्रॉब्लम आता है सर्वर में तो आप इस बैकअप से उसको ठीक कर सकते हो। वो कैसे ठीक होगा, तो गाइस अगर आपका सर्वर कल या फिर आज क्रैश हुआ या फिर पहले भी कभी क्रैश हुआ है, जैसे कि ये वाला सर्वर मेरा आज यहाँ पे क्रैश हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कल वाला जो बैकअप या फिर उससे क्रैश होने से पहले वाला जो बैकअप है वो मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और गाइस, इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको ये वाला आइकन दिखता है, इस वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यस आ जाएगा, यस पे आपको क्लिक करना है और आपका यहाँ पे बैकअप इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आपका बैकअप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, फट से अपने सर्वर पे चले आना है और अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेना। तो गाइस, अब आप देखोगे कि जैसे कि मेरा सर्वर स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल क्रैश नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बैकअप है वो क्रैश होने से पहले वाला यहाँ पे बैकअप इंस्टॉल कर दिया है। तो ये देखो गाइस, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया और बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुआ है। वाओ! लेकिन गाइस, अगर आपने यहाँ पे कोई भी गूगल ड्राइव अपना कनेक्ट किया ही नहीं है तो आप अपने सर्वर को कैसे क्रैश वाला प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो गाइस, मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको। ओके। उसके लिए आपको यहां पे वर्ल्ड्स पे चले आना है और आपके जितने भी सारे वर्ल्ड्स होंगे सबको आपको यहां पे डाउनलोड कर लेना है। इस वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपका यहां पे मैप डाउनलोड होता चला जाएगा। जैसे वर्ल्ड को कर लिया, नेदर को भी कर लेना और इसी तरीके से एंड को भी कर लेना। और अगर आपके सर्वर में ढेर सारे वर्ल्ड्स हैं तो सभी को यहां पे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको यहां पे फाइल्स पे चले आना है, नीचे चले आना, प्लगइन्स में चले आना और यहां पे जितने भी सारे आपने अपने सर्वर में प्लगइन्स डाले हुए हैं सबका आपको यहां पे स्क्रीनशॉट इस वाले पेज का ले लेना, ताकि आपको पता चल सके कि इस वाले सर्वर में आपने कौन कौन से प्लगइन्स डाले हुए हैं। और फिर गाइस, यहां पे सर्वर वाले ऑप्शन पे जाना और नीचे पेंसिल का आइकन दिखता है, इस वाले पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करना और ये वाला जो सर्वर जो आपका क्रैश हो चुका है इसको आपको डिलीट कर देना है, पे क्लिक कर देना है तो आपका ये वाला सर्वर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहां पे मैंने एक सर्वर बना लिया है, क्रिएट पे आपको क्लिक करना है और फिर यहां पे सॉफ्टवेयर चेंज पे आके और पेपर बकेट या फिर जो भी आपको सॉफ्टवेयर डालना है वो आप डाल लेना और फिर आपके सर्वर का वर्जन जो भी था वो सर्वर का आपका वर्जन सेलेक्ट कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना। नीचे यहाँ पे प्लगइन्स पे आके सारे जो प्लगइन्स पे आपने स्क्रीनशॉट लिए थे वो सारा प्लगइन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे वर्ल्ड्स पे आने के बाद एक एक करके आप अपना वर्ल्ड्स को अपलोड कर देना। जैसे वर्ल्ड है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना, जिप आर्काइव पे क्लिक करना, डाउनलोड फोल्डर पे जाना तो आपका जो वर्ल्ड है उसका आ जाएगा, उसको आपको डबल क्लिक करना है और आपका जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और साथ साथ गाइस, इस बार जाके बैकअप्स में इस पे कनेक्ट पे क्लिक करके अपना कोई ना कोई गूगल ड्राइव अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ताकि अगली बार आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो ठीक हो जाए। तो गाइस, बस ये सारी चीजें कर लो तो आपका सर्वर का जो क्रैश प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दो मेथड बताए, एक है गाइस अगर आपके पास
पहले से बैकअप है तो पुराना वाला बैकअप इंस्टॉल कर दो। और आपके पास कोई बैकअप है ही नहीं, आपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट किया ही नहीं है, तो आप इस तरीके से वर्ल्ड डाउनलोड करके फिर से एक नया सर्वर बना के वहां पे जाके अपलोड कर दो। और हां गाइस, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और अगर आपको भी मेरे जैसा इस तरीके का हाई पिक्सल सर्वर बनाना है जिसमें मैंने ढेर सारे मिनी गेम्स और वर्ल्ड्स को ऐड किया हुआ है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके उस पर क्लिक करना, सारे वीडियोस एक एक करके जरूर देखना और अपना भी ऐसा वाला हाई पिक्सल वाला सर्वर बना लेना। और गाइस, अगर आपका ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक करना यार, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और हां सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।